I just like to talk about 3-4 minutes, because all this is very nice, but I'm extremely emotional about, and I don't get the opportunity to meet my friends, my mentors, my directors, my family, because we are all busy. We all get a little selfish also. We all run after the things that we want to, and sometimes is dor mein is hor mein bahut sari cheeze hain jo milti nahi hai ya milne ka waqt nahi milta. So main thoda sa bataunga ki jab main Mumbai aaya to do char log jo yahan par hai unke bare mein. I remember main jab pehli bar television mein kaam karne aaya to Aziz Kundan aur Saeed Iskra Rogopack unki company thi. Mere paas rehne ko jagah nahi thi. मैं एयरपोर्ट पे पहुंच गया, मुझे एड्रेस नहीं मालूम था. मैं मुंबई में पहली बार आया था और कुंदन, बकुल, अजीज, हिज होल फैमिली, सईद, सब बच्चे, हारून, राहिला, निर्मला, उन्होंने मुझे अपना घर दिया. पहले ऑफिस में रखा. बड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि ऑफिस ये लोग 9 बजे सुबह खोल देते थे, तो ये आके उठा देते थे मुझको, लेकिन चाय के साथ और गुजराती फूड के साथ. सो आई लिव्ड इन द ऑफिस इन इन बांद्रा. देन मैं जब मेरी शादी हो गई तो घर नहीं था, तो अजीज़ मिर्ज़ा ने मुझे अपना घर दिया. फिर उनको घर की तकलीफ थी तो वो वहाँ पे रहने लगे. मैं ये बातें सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये मेरे फिल्म मेकर्स नहीं हैं, ये मेरे लाइफ मेकर्स हैं. मैं यहाँ पर होता ही नहीं, और मैं ये इनकी तारीफ के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सेल्फिशली अपने लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आई नीड टू से दिस, आई नीड टू समहाउ एक्सप्रेस दिस, बिकॉज देर नॉट वेरी मेनी पीपल हु अंडरस्टैंड एंड नो दिस पार्ट ऑफ मी. Because every time I go anywhere, it's all about Shahrukh Khan, Shahrukh Khan, Shahrukh Khan, the big superstar. But it's not all about me at all, ever. And then there was a time, Aziz ko ghar wapas chahiye tha, mujhe kiraye ka ghar lena pada, mere paas paise nahi the. So I remember Rajiv called me and gave me money for my kiraya of my house. And these are small instances which I'm telling you because it made me feel ki main Mumbai mein movie star ban sakta hu. Ek badi famous line hai. जो मेरी दोस्त अनुपमा ने शायद अपनी किताब में भी लिखी कि मैं एक दिन मुंबई को ओन करूंगा. वो हिम्मत कहने की या सोचने की इसलिए थी क्योंकि इन सब की बैकिंग थी. मेरे को पता नहीं था. आई रिमेंबर राजीव फादर सेड दैट तुम शादी करने वाले हो, शादीशुदा हीरो तो चलता नहीं है. एंड समहाउ राजीव रियलाइज दैट दिस इज़ अ मे बी आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. एंड अब तो शादी हो रही थी, अब क्या करेंगे. सो ही लैंडेड अप फॉर माई वेडिंग वेरी स्वीटली. I remember Abbas Mastan coming and wanting me to do this film, and I finished the film and I got the best actor award, I think my first one for a film as a best actor award, and not for debut or anything. And I went to their house to meet them, and I had never understood, and I'm sorry I'm talking personal Abbas Mastan bhai, the hardships they lived in but made these beautiful films, and never made me realize that I had become a star. And the director was still to make it there. They were the ones who made the greatest film of my career, perhaps Bazigar. And so many of them have all come together and helped me become who I am, not just as a movie star or as an actor, but as the person that I am. And I owe this to them. And it's humbling that I come here. It's awkward I come here, because मुझे मेरे हक का जो होता है. That's very important to me. लेकिन इस सारे सक्सेस के ऊपर मेरा कोई ज़्यादा हक नहीं है एक्चुअली. बिकॉज इफ इट वॉजन फॉर पीपल लाइक दिस, आई रिमेंबर प्रवीण निश्चल टेकिंग मी इज एन इंटेलेक्चुअल, सो सिट डाउन विद मी एंड टेल मी यू कैन बी अ स्टार. सो ऑल दीज थिंग्स, एंड आई एम नॉट मैंशनिंग लॉट्स ऑफ पीपल, आई एम सॉरी, ईच वन ऑफ देम इन द फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ माई लाइफ, वेदर इज अनादि, करण, यश चोपड़ा जी, मणिरत्नम सर, हिमा जी. आई रिमेंबर, मैं आई थिंक राजीव विल ऑल्सो रिमेंबर दिस इंसिडेंट. मैं एक दिन किसी इंटरव्यू में एक हेडलाइन आ गई, आई थिंक स्टारडस्ट मैगजीन थी, एंड उसमें हेडलाइन आ गई कि हेमा मालिनी डज नॉट नो हाउ टू डायरेक्ट. मैंने ऐसा नहीं कहा था, या हो सकता है मैं इतना बदतमीज था, मैंने कुछ ऐसी बात कर दी हो. मैं बहुत सारी चीज़ें कहता हूँ और फिर बाद में समझ नहीं आता कैसे बोल दिया, बट आई डेंट मीन इट, आई डेंट फील इट. एंड आई रिमेंबर मैं सेट पर जाना था सुबह सुबह, तो मैं छुप छुप के जा रहा था कि हेमा जी मुझे देख ना लें और डांटेंगी, तो मैं छुप छुप के जा रहा था. मैं छुप छुप के ऐसा साइड से जा रहा था, एंड शी सेड कम हियर, एंड शी सॉ मी सो आई केम, शी सेड हियर. So I sat down, I said, she's going to kill me. She's going to tell me, what did you say in that interview? Huh? So I just sat and I was like, you know, zameen khul jaye aur main chale jaun yahan se aur ye moment khatam ho jaye life ka yaar. And she looked at me, so I want to tell you something. Either you are very famous or I'm very famous. I have to stop working. So it has to be your fame. And when you are famous, people write all nonsense. Huh? Go and get ready. And it was so heartening. And I think, and
I don't want to go on and on because actually I can write a book like this. But I think one man that we need to mention, and the only man from the non-film industry, the television industry that I've included and we have included in the book, is Colonel Kapoor. Oh yeah, of course. I mean, of course, if it wasn't for him, I would not have even thought that I can act on screen. और उनके साथ का भी अजीब सा किस्सा था. हम उनके जो सन इन लॉ थे वो हमारे लिए किराए का घर ढूंढ रहे थे दिल्ली में. एंड जब हमारी माँ ने घर देखा तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा नहीं है, वो देख ले तो हम कंफर्म कर लेंगे. माय फादर एक्सपायर्ड, वी नीडेड अ स्मॉल हाउस. सो ही सेड, कहाँ है आपका बेटा, इसे एक्टिंग करने गया है. तो मैं, उन्होंने कहा कि मेरे जो फादर इन लॉ सीरियल बना रहे हैं तो उनको कहो वहाँ पर आके एक्टिंग कर लें. सो आई वेंट देयर एंड मैंने ऑडिशन किया और कर्नल कपूर साहब ने मुझको जो रोल दिया था बड़ा स्वीट सा था. पूरे फौजी सीरियल के अंदर मेरा रोल था कि मैं कुछ गलती करता हूँ तो मुझको जो कर्नल थे वो बोलते हैं, जो कर्नल थे उस वक्त, कि जाओ और उस पेड़ पर गिन कर आओ कितने कौवे हैं. तो मैं भाग के जाता हूँ और मैं कहता हूँ चार कौवे हैं. ठीक है जवान, अब सावधान. और मेरा पूरा सीरियल में ये रोल था. तो मुझको बड़ा अजीब लगा यार. और मेरे को लगा यार ये मैं कैसे आके अपने घर वालों को बताऊँगा कि मैं कौवे गिनने का रोल कर रहा हूँ और यही रोल है मेरा. एंड मेरी बहुत चीज़ें लक की वजह से भी हुई हैं, तो मैं उनको भी बहुत श्रेय देना चाहूँगा. तो मैं जब वापस आया, उनके बेटे जो थे लीड रोल कर रहे थे अभिमन्यु राय का, बट वो कैमरा भी कर रहे थे, सिनेमाटोग्राफी भी कर रहे थे. एंड सडनली ही डिसाइडेड मुझसे दोनों काम नहीं होंगे. सो कर्नल कपूर को कोई और एक्टर नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि ठीक है जो कमान ब्लडी गुड जॉली गुड. सो आई बिकेम अभिमन्यु राय ओवरनाइट एंड आई डिड दैट एंड इट वाज वन ऑफ द नाइसेस्ट, अगेन लाइक अ फैमिली. ही ट्रीटेड मी एंड लव्ड मी अ लॉट एंड ऑल ऑफ देम हैव लव्ड मी लाइक फैमिली. सो आई वांट टू थैंक देम ऑल. And I want to say this, and I'm not saying it with false humility or modesty. I genuinely, genuinely feel maybe the goodness I still have at the age of 51 is a carryover from what I've learned from all these wonderful men and women in my life. And when I say women, I want to take this opportunity to try and thank all the actresses who have worked with me, because I could not dance, I could not romance. There are instances when I'm doing a duet with a girl and they are the ones who are twirling me, it's not me twirling them. And they're all so beautiful that it was very easy to love them back and say the lines I've said which I didn't even believe in. And if it wasn't for these really strong, really fantastic, really more hard-working women than all the men in the film industry, and I'll say this unquantifiably, I don't think I would be this romantic star who spreads his arms and girls come running to him. And I want to genuinely thank them because I've learned a lot and I love them to death. And all my life I'll respect and love them. And I'd hope my children grow up with their children. And it's like, when I came from Delhi, I had no family, I had nobody, and I tell this to everyone that I have an extended family in all the filmmakers, all these leading ladies, all the producers, some other friends that I have made along the way in the film industry. If it wasn't for them, I genuinely would not be celebrating 25 years of my life here. So I thank you, and I'm extremely, extremely grateful that you made my life.